बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। इसमें 1.6 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद राजपाल यादव ने कहा कि वह अदालत के फैसले की इज्जत करते हैं और उच्च न्यायालय में जाने की बात कही। राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के 7 मामलों में आज फैसला सुनाया गया। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में कड़कड़ डूमा कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित अरोड़ा ने फिल्म बनाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया था। सोमवार को इसी मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनको राहत न देते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद राजपाल यादव ने उच्च न्यायालय में जाने की बात कही और फिलहाल उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है। बहुत अच्छा हमारा जो है और हमें अब हम लोग अब हमारा वकील आपको जवाब देगा। हम लोग अपील करेंगे इसमें सजा के भारी जो पकड़ लगाया इसको 1 महीने का समय दिया चुकाने के लिए आपको नहीं तो सजा और बढ़ा दी जाएगी ये भी बोला है साहब। अब एक बार पूरा ऑर्डर पढ़ लें फिर उसके बारे में बता दें क्योंकि पूरे ऑर्डर हमने अभी पढ़े नहीं है लेकिन अदालत के हर फैसले का बहुत ही विनम्रता से सम्मान करता हूँ।